ओके तो गाइज मैं आ गया हूँ अभी घर पे। अपना बहुत बड़ा पपलू कट चुका है वहाँ पे। एक्चुअली आज संडे होने के कारण वो शॉप बंद था। हे गाइज ग्रीटिंग्स ऑफ द डे टू ऑल यू लवली पीपल। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। दिस इज एनजे। वेलकम टू माई वर्ल्ड। गाइज टुडे इज द 7th of July 2020। अभी टाइम हो रहा है 4:30। तो गाइज आज का प्लान कुछ ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ गोरेगांव चेन ल्यूब और चेन क्लीन खरीदने के लिए। एक्चुअली दो दिन पहले जब मैं बाइक वॉश कर रहा था तो मैंने देखा कि उसका चेन जो है पूरी तरह से ड्राई हो गया। सो वो ल्यूब कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा मतलब उसका जो फ्रंट का फोक है, उसका लेफ्ट साइड का जो फोक है, उसका सील जो है ब्रेक हो गया, उसमें से ऑयल लीक हो रहा है, तो वो ठीक कराना ज़रूरी है। बट वो तो मैं नहीं कर सकता, वो तो KTM सर्विस सेंटर में ही होगा। उसके लिए अपॉइंटमेंट और वो सब लेना पड़ेगा। वो तो अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है। तो फ़िलहाल के लिए तो चलते हैं गोरेगांव चेन ल्यूब और वो परचेस करते हैं। आज परचेस करते हैं। अभी टाइम ऑलमोस्ट 5 बजने वाले। आज के दिन पे वो क्लीन हो पाएगा मेरे से पता नहीं, तो देखते हो सकेगा तो कल, बट आज परचेस कर लेंगे। तो अभी फटाफट से चलते हैं गोरेगांव और वो ख़रीद लेते हैं। तब तक आप ये टाइम लैप्स देखिए। ये टाइम लैप्स मैंने चेरी को वॉश करते समय लिया था। आई होप यू लाइक दैट। तो तभी तक आप ये देखिए, मैं मिलता हूँ सीधा आपको गोरेगांव में। अपना बहुत बड़ा पपलू कट चुका है वहाँ पे। एक्चुअली आज संडे होने के कारण वो शॉप बंद था, तो कल फिर से जाना पड़ेगा। बट आते आते वो बाइक भी पंक्चर हो गई, तो वो भी मैंने ठीक करा लिया है। तो उसमें दो पंक्चर थे, वो दोनों ही पंक्चर अभी मैंने रिमूव कर दिए। बट उसके साथ और एक चीज़ हो गई, मैं आपको बताता हूँ। गाइस बाइक जो है पंक्चर हो गई थी, तो ये दो पंक्चर थे उसमें, एक तो ये और एक दूसरा, और उसका वाल्व भी बदल रहा, उसमें भी सी थोड़ा हवा लीक कर रही थी। तो ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं जैसे ये ठीक होता है। प्लेट की हालत कुछ ऐसी है, ये पूरा टूट गया है, ये जो है यहाँ से वो टूट गया है, और ये ब्रैकेट भी एक्चुअली बैंड हो गए, तो इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो गाइस अभी नंबर प्लेट जो टूटा था उसके लिए मैंने जुगाड़ ढूंढा है, क्योंकि जो शॉप है मैं वहाँ पर भी जाके आया, बट उसके पास अभी जो ये प्लेट है वैसा प्लेट नहीं, उसके पास जो है प्लास्टिक का प्लेट है। सो वो मैं लगाना नहीं चाहता, वो कभी भी टूट सकता है और चांसेस बहुत है कि कभी भी कोई पीछे से क्रैश हो गया तो वो टूट जाता है, तो वो मैं लगाना नहीं चाहता। तो जब तक ये लॉकडाउन में होता है तो मैंने उसके लिए एक जुगाड़ ढूंढा है, वो आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये साइड जो टूट गया, तो अभी उसके लिए ये वाइज़र, अरे ये वाइज़र और ये नट काम आएगा, तो वो फिक्स कर दो, फिर मिलता हूँ आपको। C1 and C2। C1 इज़ चेन क्लीन एंड C2 इज़ चेन ल्यूब। तो ये मुझे अराउंड पड़ा है 470-480 का समथिंग। एग्जैक्ट प्राइस बताने जाएगा तो ये देखिए 245 का ये जो C2 है चेन ल्यूब वो है, और C1 जो है 225 का। तो ये अराउंड मेरे को 470-480 के आसपास पड़ा है।
तो अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे चेन लूप और चेन क्लीन करना है, ये जो बेस्ट वे जिसमें आपका चेन भी ठीक से क्लीन हो जाए और लूप भी हो जाए और आपका बाकी जो पार्ट्स है वो भी गंदे ना हो। मैं गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा चेन जो है ड्राई हो गया, इसको पहले क्लीन कराना होगा। ये देखिए पूरा ग्रीस ड्राई हो गया। दूसरी अभी इसमें प्रॉब्लम है मेरे पास से कि स्टैंड नहीं है मेरे पास, क्योंकि KTM को डबल स्टैंड होता नहीं है, तो एक सेपरेटली एक स्टैंड आता है तो वो मेरे पास नहीं है। बट अभी यहाँ पे मेरा दोस्त है जो मेरे को मदद करेगा, जो बाइक पकड़ेगा और आई विल क्लीन द चेन। सो यस गाइस लेट्स डू इट। ओके तो गाइस ये है C1, तो मैं इससे पूरी चेन क्लीन कर लूँगा, जो पहले के जो ग्रीस लगा हुआ है उस पर जो डस्ट लगी है वो पूरी तरह से क्लीन कर लूँगा। अभी यहाँ पे ब्रश आता है जो चेन क्लीन करने के लिए यूज़ होता है, बट वो तो मेरे पास नहीं है, इसके लिए हम नॉर्मल टूथब्रश या फिर किसी स्पंज से वो क्लीन कर सकते हैं आप। तो ओके तो अभी मैं फिलहाल ही कर लेता हूँ। अभी मैंने पूरी तरह से वो स्प्रे कर लिया है चेन क्लीन जो है। अभी मैं नॉर्मल ब्रश से, अगर आपके पास वो ब्रश होगा तो आप उससे कर सकते हैं या फिर नॉर्मल ब्रश भी चल जाएगा, उसमें कोई बात नहीं, तो उससे क्लीन कर लीजिए पूरी चेन जो है, पूरी तरह से क्लीन कर दीजिए। ओके तो गाइज अभी मैंने C1 अप्लाई कर दिया है, अभी 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, तुरंत अप्लाई नहीं करेंगे। मैंने चेन भी पूरी तरह से क्लीन कर लिया, जो भी एक्सेस था वो भी क्लीन कर लिया है, अभी एक 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद हम लोग C2 अप्लाई करेंगे। तो गाइज अभी 10 मिनट हो चुके हैं, तो उसके बाद अभी हम लोग अप्लाई करते हैं ये C2 चेन लूप। चेन लूप अप्लाई करने के बाद जो एक्सेस होगा, जो एक्सेस चेन लूप आपने स्प्रे किया होगा, उसको हल्के हल्के से साफ कर देना, उससे आपका उससे जो चेन लूप है जो आपके टायर पर नहीं आएगा। यहाँ पर जब भी आप रनिंग करोगे तो वो एक्सेस जो है उड़ के या टायर पे नहीं आएगा, क्योंकि वापस वो आपको धोना पड़ेगा और वो ये दाग जो है जल्दी जाता नहीं है, तो आपको वापस बाइक वॉश करानी पड़ेगी, उसके लिए अलग से प्रॉब्लम हो जाएगा। सो आप ये ध्यान रख में रखना है, जब भी आप चेन लूप अप्लाई करते हो तो उसमें आप उसको अप्लाई करने के बाद थोड़ा जो एक्सेस है वो साफ कर लेना। सो गाइज होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए यूजफुल भी होगा। सो गाइज बात करते हैं कि फर्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच गाइज फॉर शोइंग सो मच लव, और बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली भी सजेस्ट किया कि क्या राइट हो सकता है वो वीडियो में। उसमें अभी पहली बात तो ये थी कि जब मैं मोटर व्लॉगिंग कर रहा था तो उसमें जो साउंड था, उसमें जो विंड ब्लास्ट का साउंड था वो बहुत ज़्यादा आ रहा था, उसके वजह से मेरी जो वॉइस थी वो क्लियर नहीं थी। तो गाइज़ अभी हुआ ये था कि मेरे पास जो एडाप्टर था, मैं जो GoPro Hero 7 का एडाप्टर नहीं था, उसके वजह से वो विंड ब्लास्ट भी कैप्चर कर रहा था। सो गाइज़ उसके लिए मैंने कुछ ऑर्डर किया है, अगर इफ़ इट वर्क्स तो हमारे ऑलमोस्ट 3500 रुपीज़ बच जाएंगे, नहीं तो मुझे वो एडाप्टर ऑनलाइन परचेस करना होगा। वो चीज़ जो है 2-3 दिन में आ जाएगी मेरे पास, तो मैं वो भी आपको बताऊँगा। तो गाइज़ थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर शोइंग सो मच लव फॉर द फर्स्ट वीडियो। अगर आपने नहीं देखा होगा तो गाइज़ प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। और बात करते हैं ये वीडियो की, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो गाइस प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड येस डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट इट विल नोटिफाई यू वेन एवर आई अपलोड एनी वीडियो ऑन द चैनल। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।